बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, तमाम आइस का प्रोडक्ट मैं आज लेकर चली हूँ आपको दिखाने के लिए और स्टेप बाय स्टेप चली हूँ। पहले मैंने आपको, फिर बता रही हूँ, लक्स टूल किट का पूरा डाल चुकी हूँ, उसका लिंक भी दे दिया। अब ये लक्स वालों की, लूसियस वालों की लक्स आईब्रो पेंसिल है, इसका भी रिव्यू डाल चुकी हूँ, ये भी डाल चुकी हूँ ताकि किसी ने नहीं देखा तो वो जाके देख सकता है। रिवाज वालों का आईलाइनर भी डाल चुकी हूँ, बता चुकी हूँ क्योंकि ये भी लगाना ज़रूरी था। अभी कंसीलर भी डाल चुकी हूँ, तमाम चीज़ें आइज़ की थी, ठीक है, ये भी डाल चुकी हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये लगाया हुआ है, आईलाइनर्स लगाए हुए हैं ये पूरे शाइनिंग वाले। यहाँ पर लक्स टूल किट के दोनों शेड लगाए हुए हैं। तमाम चीज़ें आइस से बिलोंग रखती थी, बताना बेहद ज़रूरी था, इसलिए चली हूँ सबको साथ लेकर। और बार बार बताती चली हूँ कि किसी ने नहीं देखा, अगर उससे मिस हो गई ये वीडियो तो जाके देख सकता है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है। अब आ जाते हैं, ये देखें, आपको बता रही हूँ, मैं ओरिजिनल की पहचान बता रही हूँ। आज मुझसे पूछा गया था ओरिजिनल की पहचान बताएं, मुझसे पूछा गया था कि जैस्मीन क्वीन ये जो आई शेडो पैलेट है ये हम कैसे पहचान सकते हैं कि फेक है कि गलत, फेक है यानी गलत आ गया या फिर ओरिजिनल आया है, ठीक है। मैं बताती हूँ, मुझसे पूछा गया था कौन सी चीज़ें जो मेकअप बॉक्स में रख सकते हैं, वो मैंने तमाम की तमाम बता दी आपको, दोनों सवालात के जवाब यहाँ मैंने क्लियर किए, ठीक है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तमाम का जवाब जिनका देना अच्छा समझती हूँ उनको जवाब मैं ज़रूर देती हूँ, ठीक है। मैं पूरा वीडियो में सब कुछ क्लियर कर देती हूँ, जो सवाल नहीं होते उसमें मैं उसका जवाब ज़रूर देती हूँ कि हाँ देखो ये मुझसे मिस्टेक हुई है, मैंने जवाब नहीं दिया है, ठीक है। कुछ जगह पे जैसे आई शेड्स के नंबर हैं वो मैं ख़ुद नहीं बताती हूँ क्योंकि मुझे पता है लड़कियाँ जाएंगी, धोखा खाएंगी, पैसे फेंकेंगी, वही शेड नंबर लेकर आ जाएंगी, उनके दिमाग में वो शेड नंबर गूंज रहा होगा कि हयात ने लगाया था यहाँ पे, उसका रंग बड़ा अच्छा आ रहा था, हम तो वही चाहिए। अब अगर बिलफर्ज उनका कलर वैसा नहीं है, मैच नहीं हुआ, तो पैसे लॉस, वो डिबिया आपकी, वो बॉटल आपकी, वो वापस नहीं करेगा, खुली हुई पोतना पड़ जाएगा पूरी, अप्लाई करना पड़ जाएगा, लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। यूं समझें कि पैसे गए, डब्बा बंद, ठीक है। मैं पूरी बात सही की बताती हूँ, समझा के बताती हूँ, मेरी आप सब बहनें हैं, आपके पैसे बर्बाद होते हैं तो अफसोस मुझे होता है, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। देखें, बात उससे करें जिसके साथ ये हो चुका हो। कुछ लोग होते हैं जो आपकी बातें सुनते हैं रो रोगे और दूसरों को बताते हैं हंस हंस के, लेकिन आप एक शख्स से ऐसे बात करते हैं जिसके साथ ये हो चुका होगा, ठीक है, वो आपको क्या करेगा, आपकी फीलिंग्स को अपने अंदर महसूस करेगा। एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, एक बच्चा है वो फेल हुआ है, वो पास होने वाले से बात करे जाके वो तो हंसेगा दिल में, ऊपर से एक कहा साले ने पढ़ा नहीं होगा इसलिए फेल हो गया। वो छोटी बात बता रही हूँ, हर एक की जहनीत के हिसाब से बता रही हूँ, समझदारी वाली बात बता रही हूँ। दूसरी बात ये, आप अगर एक फेलियर से कहेगा कि यार मेरे साथ इस तरह धोखा हुआ है, चीट हुआ है, मेरे पेपर में मेरे नंबर काटे गए, कुछ कम आए, क्या मसला हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या मैंने कॉपी ज्वाइन नहीं की थी सही से, मेरी कॉपी मिस हो गई है, क्या क्या हुआ है, वो भी कहेगा, अगर उसने पढ़ा होगा कुछ होगा, यार मैंने ये सवाल नहीं सॉल्व किया था, पूरी ज़िंदगी भर मम्मा पापा कहते थे ये सवाल याद कर दो, टीचर कहने लगे ये सवाल याद कर लो, मैंने नहीं किया, देखो यार मैं फेल हो गया। दोनों का दर्द एक होगा, वो दोनों बात करेंगे, जिसका दर्द दर्द से मैच होगा वो बात करेगा। मैं बहुत अच्छी बात बता रही हूँ आपको, प्लीज़ अपने दुख दर्द किसी को ना बताइए जब तक उसके अंदर वो दर्द को ना पाइए, क्योंकि आपके साथ आपके गम पे हंसने वाले आपको मिल जाएंगे, आपके गम पे रोने वाला कोई नहीं मिलेगा। एक छोटी सी बात थी, छोटा सा एक अपनी अमली प्रैक्टिकल था जो आपको शेयर कर गई हूँ मैं। पहले लोग मिलते हैं, यहाँ पर मैं पूरी बात कम्प्लीट करूँगी, यहाँ पर कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोग होंगे जो मेरे साथ एग्री हो रहे होंगे, कुछ लोग, मैं आपके साथ इसलिए जीनियन हर बात शेयर कर रही हूँ कि आपसे आगे जाके यही बातें मिलेंगी। कुछ लोग मिलते हैं इतने अच्छे हमदर्द बन के कि इंसान उनसे अपनी तमाम दिल की बातें कह देता है, वो उस वक्त उनका खाते हैं खाना, पीते हैं खाना, उनकी बातें भी सुनते रहते हैं, उसके बाद वही जब खाना पीना उनका बंद हो जाता है तो वो आपको ऐसा उन्हीं बातों को लेकर थप्पड़ मारते हैं कि आप ज़िंदगी भर वो थप्पड़ याद रखते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत 100 में से 70 लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि वो सच्चा दिल रखते होंगे। मैं अगर एग्री होते हो तो लाइक करना, इस बात पे मत बताना किसी को अपनी बातें, कभी ना बताना। मैं तुम्हें बातें बताती हूँ इसलिए कि ये देखो, ये वाली बातें इसलिए बताती हूँ कि याद रखो, मैं बताती हूँ कि तुम्हारा तजर्बा यही रहेगा कि हयात फातिमा ने ये शेड लगाया है, ये नंबर का शेड, मैं तो यही लूँगी, पैसे तुम्हारे बर्बाद होंगे, दुख दर्द होगा, तुम्हें होगा अंदर से, मुझे तुम आके लिखोगी मेरे पैसे बर्बाद हुए, मैं यहाँ फीलिंग लूँगी ना,
तमाम जगह जाके नीचे लिखोगी तमाम यूट्यूब के चैनलों पे, तो किसी को दर्द नहीं होगा इतना। कोई 19-20 एक होगा जो कहेगा यार इसके पैसे बर्बाद हो गए, मेरे पास कमेंट आया मैंने पढ़ा, ये बात बहुत तफसील में चली जाएगी, आ जाते रिटर्न होके अपने रिव्यू की तरफ। तो इसकी मुझसे पूछा गया था, उसने भी जो सवाल पूछा था उसको क्लियर हो गया है, ठीक है, उसको एक मेरी मशवरा था जो मैंने यहीं से दे दिया है। तो यार इसका अब देखो, पहले ये चढ़ी हुई आएगी इसके अंदर होगी, फिर इसके ऊपर एक थैली चढ़ी हुई आएगी प्लास्टिक की होगी, उसको तुम यहाँ से ब्रेक करोगी तो फिर ये क्या होगा मेरे दोस्तों, ये यहाँ से निकलेगा। बगैर थैली चढ़ा मत ले लेना, मैं खुद काशीस गई हूँ, मुझे बगैर थैली चढ़ा दिया जा रहा था, मैंने नहीं लिया, ठीक है। विंटेज आई क्वीन पैलेट इनका शॉर्ट चल रहा है, मुझे बगैर आई वो थैली चढ़ावा दिया जा रहा था और मुझसे कहा जा रहा था नहीं मैम ये ऐसा कभी नहीं आया है, बाकायदा ये कहकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने अपना रिव्यू डाला हुआ है, मेरी जीनियन वीडियोस मौजूद हैं, अल्लाह का शुक्र है, सूरे रहमान की कसम खा के कहती हूँ कि मैंने यहाँ से बांटा है पैलेट, ठीक है। फिर कसम खाई मैंने, है कोई यूट्यूबर्स जो कसम खा के बयान करे, बांटा ही नहीं होगा तो कसम खा के क्या बयान करेगा, मैंने दिया है, ठीक है, मैं कसम खाऊंगी, मैंने अपना पैसा दिया है, मैंने अपने पैसे से खरीद के दिया है, लोगों की खुशी के लिए दिया है, ठीक है, ये मैं बता रही हूँ सीरियस, ठीक है। ये फिर डब्बे से निकलेगा, थैली होगी इसके ऊपर पूरी रैप हुई भी, बकायदा वो खुला पीस मुझे दे रही थी, अंदर से वो इस्तेमाल हुआ हुआ था, जीनियन बात कर रही हूँ मैं यहाँ बैठकर, मैं अपने चैनल से मुखातिब हूँ इस वक्त सबसे, वो मुझे खुला हुआ पीस दे रही थी, मैंने कहा नहीं, मैंने थैली फाड़ी थी उसके अंदर से इसको निकाला था डब्बे को और वो यूज़ हुआ हुआ नहीं था, बहुत सही पीस है, मैंने खुद अपना वीडियो बना रखा है उस पर और मैंने दिया है, ठीक है ना, अल्लाह की कसम मैंने दिया है, ठीक है। मैं नहीं जानती उसके माँ बाप कौन है, मैं नहीं जानती वो कौन है, सूरे रहमान की कसम मुझे उसका चेहरा भी अब याद नहीं, ठीक है ना। मैंने अपना सामान भेजा, उसने मुझसे बात की कि आपको ये है मेरा निकला है, हाथ दीजिए दे दे, मैंने दे दिया, ठीक है, मुझे अब अल्लाह की कसम याद नहीं मैंने किसको दिया है, ठीक है, लेकिन लड़की थी जिसको मैंने दिया है, ठीक है, इतनी बड़ी कसम खाई मैंने, मेरा रब जाने मैं जानूं, बस खत्म, डेट्स इट, मामला यहीं फिनिश, रब और बंदे का मामला है, बीच में जो आए अल्लाह करे उस पे अजाब गिरे, ठीक है ना, जो गलत इस बात को समझे मैं कह रही हूँ उस पे अजाब गिरे। मैं पूरा एक गुल्लक बनाती हूँ अपनी जो है वीडियो का, ठीक है, उस पे कुरानदाजी करती हूँ, उसमें पैसे डालती हूँ हजार हजार के नोट, ठीक है, वो गुल्लक कुरानदाजी के दिनों में फूटता है और फिर सामान लेकर आती हूँ और फिर जो नहीं होता सामान, अव्वल तो मैंने काफी पीसेस के उठा रखे हैं जो नहीं होता, जो मैं बांट लेती हूँ, अचानक से मुझे ना वो होता है कि मैं जाऊँ चलो ये चीज़ निकाल देती हूँ आपकी, तो मैं सामान लेकर आती हूँ बाकायदा कुरानदाजी के पर्सन का, जो कि जिसका नाम इंशाल्लाह चैनल पे निकलता है, पर्ची पे निकलता है, उसके लिए ये मेरा प्यार है छोटा सा, पूरे सीज़न में जमा करती हूँ पैसे अपने पॉकेट मनी के उस गुल्लक के अंदर, ठीक है ना, ठीक है। मैंने यहाँ तक अपनी बात बताई, बहुत सी बातें निकल जाएंगी, क्या क्या बना रखा है, क्या क्या दिमाग में है, वो सब निकल जाएगा, वो आने वाले वक्तों में बताती जाऊंगी, क्या क्या गिफ्ट रखें आप लोगों को देने के लिए, क्या क्या होगा, किस तरह की कुरानदाजी होगी, सब निकल जाएगा। अभी छोड़े पिक्चर की तरफ, वापस आते हैं वीडियो की तरफ। ये यूँ निकलेगा, मैंने कहा यार ये डिब्बा पैक नहीं है, सब कुछ यूज हुआ हुआ है इसके अंदर, आप मुझे दे रहे हो उठा के, कहने लगी नहीं मैम ये ठीक है, बहरहाल वहाँ पर भी ये हो रहा है, ठीक है, इसलिए बताया क्योंकि ये बताना तुम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। अब इसको खोलते हैं और अंदर बताती हूँ अब क्या होगा, फिर बिस्मिल्लाह, फिर ये अंदर खुलेगा, यहाँ पे एक मिरर होता है, ठीक है, ये मिरर होता है, ठीक है, ये यहाँ मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, बहुत ऐसा मिरर है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मिरर होता है, फिर यहाँ पे एक ये चीज़ होती है, ठीक है, ये हटाएंगे, अब आपको चेक करा देते हैं कैसा होता है, ठीक है, यूँ पूरा पकड़ेंगे, यूँ देखें इसका कलर है, ये दो कलर उसके हैं लक्स टूल किट के, ये इनके कलर नहीं है, मैं फिर बता रही हूँ, ठीक है, ये कलर है, देखें ये ग्रीनिश में ये कलर है, 2500 इसकी वैल्यू है, मगर देख कर लीजिएगा वो बहुत खड्डे खड्डे में था, इस्तेमाल हुआ था, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पे दो चार उसने मुझे दिखाए। मैं यहाँ मुखातिब हूँ, अगर काशी साहब भी सुन रहे हैं तो सुने इस वक्त, क्योंकि मैंने कसम खा ली है, ठीक है ना, सुने इस वक्त कि उनके पॉलर में क्या हुआ था, ठीक है, मैं बता रही हूँ पूरी बात आपको, ये देखें कि वो मुझे यूज हुआ दे रही थी और इसमें खड्डे पैदा हुए हुए थे विंटेज आइकून शेड में, मैंने जो दिया है वो पूरा जीनियन पीस दिया है और किस तरह से दिया है मैं जानती हूँ, ठीक है ना, हम तो किसी को कुरानदाजी में भी ऐसा पीस ना दें, ठीक है ना, वो पैसे लेकर मुझे ऐसा पीस दे रही है वहाँ पे, ठीक है, तो बहरहाल आप समझ जाएं, अगर आप वहाँ के आउटलेट पे भी जा रही हैं, ये देखें ये कलर है इसके, ठीक है, तो आप वहाँ के आउटलेट से भी ज़रा देख कर बाई कीजिएगा, क्योंकि मैं पैसे देकर लाती हूँ, मैं वही बोलूँगी जो मेरी ज़बान में आएगा और सच बोलूँगी,
ये मेरा अल्लाह जानता है, ठीक है। मैं किसी की लगी लिपटी तो रखती नहीं हूँ। मेरे साथ ये हुआ, बयान करना अपने व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि वो कह रही थी ख़रीद लो, मैंने कहा नहीं मैं नहीं ख़रीदूँगी, मैं पैसे दे रही हूँ, यूज़ हुआ हुआ सामान क्यों ख़रीदूँ। बारन मुझे यूज़ हुआ हुआ सामान दे रही थी, अल्लाह की कसम खा के कह रही हूँ, इसके ऊपर हाथ रख के कह रही हूँ, वो यूज़ हुआ हुआ विंटेज आई क्वीन शेड पैलेट मुझे दे रही थी, इसके ऊपर हाथ रख के बोला मैंने, ठीक है ये मेरा हो गया, ठीक है, क्योंकि मेरी उंगलियों के निशानात इस पे चले गए, ये मेरा हो चुका है, ठीक है। आप वहाँ जाइएगा तो देख कर लीजिएगा, पता नहीं कैसे वो यूज़ हुआ हुआ विंटेज आई क्वीन शेड पैलेट दे रही थी, 3 डब्बे 4 डब्बे उसने मुझे दिखाए इसके, वो यूज़ हुए थे। कहने लगी ऐसे ही आता है, मैंने कहा ऐसे नहीं आता, थैली चढ़ा हुआ आता है, अंदर पूरी इसके थैली होती है, पूरा ये सब होता है, बता दिया अंदर से ऐसा होता है, और पूरा एक सीक्वेंस में भरा हुआ होता है, खड्डे खड्डे नहीं होते, यूं यूं हाथ लगे हुए और मेकअप किया हुआ नहीं होता है, ठीक है, ये भी देख लेना। कई कई जगहें मैंने ऐसी पकड़ी हैं जहाँ पे लड़कियाँ मेकअप कर रही हैं और बाद में रख देती हैं, बाद में वो लड़कियों को सेल कर देती हैं, जो हम जैसी जाती हैं ना ख़रीदने के लिए उनको सेल कर देती हैं, मैं तो अब समझ जाती हूँ, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बताना बेइंतहा ज़रूरी था, मैंने बताया, ठीक है। ये कलर भी देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, पैसे सबके एक जैसे होते हैं, क्यों ना बताऊँ, बताऊँगी, चैनल पे बताया ही जाता है जब जाके लोग सही ख़रीदारी करते हैं। हम वो नहीं है कि फटे हुए कपड़े पहना के Dash.com से आ गया, किसी ने मंगाया रियल कपड़ा आ गया Dash.com, हर एक के घर में होती है Dash.com, अलमारियों में पाई जाती है, फटे हुए कपड़े आ गए, ये मैं नहीं कहती हूँ, ये TV बताता है, न्यूज़ चैनल बताता है, ये फटे हुए कपड़े डाल के अपने पुराने डब्बे में पैक करके पार्सल बना के Dash.com ने दे दिया। ये जहाँ चाबियाँ वाबियाँ नहीं रखते हम लोग घर की, ताले चाबी की, वो घर घर में वो चीज़ होती है, वो उस वहाँ ने उस इतनी बड़ी मार्केट ने ऑनलाइन मंगाया था जी, और मैं तो खुद गई थी लेने के लिए, मुझे इस तरह की चीज़ दिखा रही है वो, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। बहरहाल तो मैंने आपको बताना था, मैंने बता दिया, ठीक है। ये इस तरह के शेड्स हैं, ठीक है, उम्मीद करती हूँ सारे समझ में आ रहे होंगे। तो मैंने जीनियन की पहचान मुझसे पूछी गई थी, मैंने बता दी काशी क्या, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है मेरे साथ, ठीक है, उससे पहले नहीं हुआ, पहली दफ़ा हुआ था, मैंने बता दिया अपने चैनल पे आके, हाथ रख के भी बताया, ठीक है, ये मेरा सामान है ना, ये मैं यूज़ करूँगी, मैंने हाथ रख के बताया कि वो विंटेज आई क्वीन शेड पैलेट यूज़ हुआ हुआ मुझे दे रही थी, एक नहीं 3 पैकेट उसने दिखाए थे, तीनों खड्डे खड्डे में थे, खड्डे भरे हुए थे खड्डे, और कह रही खरीद लो ना ये, मैंने कहा प्राइस कितने जी 2500 रुपये, और मैंने कहा इसके ऊपर ना थैली चढ़ी हुई ना ऐसा है ना ऐसा है, भाई तुम उससे बात कर रही हो जिसने फिल्म रिलीज़ की है पूरी इसकी, किससे बात किससे कर रही हो तुम, अरे मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ, मुझे पता नहीं है, मुझे एक एक रग और शय का पता है इसकी, कहाँ से इसकी रगे जाती हैं, कहाँ से इसको काटना है, कहाँ से क्या करना है, कौन यूँ घुमा के फेंक देती हूँ मैं मेकअप को, मेकअप पहले मैं दिखाती हूँ, बाद में दुनिया उसकी चीज़ें बना के उसको बना के पेश करती है। दावे से कह रही हूँ, बहुत से चैनल ऐसे पकड़े हैं, बहुत से मेकअप ब्रांड ऐसे मैंने पकड़ लिए हैं जो मेरे चैनल को देख कर जा रही हूँ और ब्रांड निकाल रहे हैं अपना, ये मैं दावे से कह रही हूँ, इस पे हाथ रख के कह रही हूँ, ठीक है। मैं अगर इतने दबंग तरीके से बोल रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें अप्लाई की हैं यहाँ, लोगों को बताया है और लोगों ने फिर उसका चीज़ निकाल के अपनी ब्रांड बना के महंगा तरीन करके सेल किया है, ठीक है। तो यहाँ से जो चलेगा पहले मेकअप यहाँ से चलेगा, बाद में बनेगा, अल्लाह की कसम खा के कह रही हूँ, मार्केट में चीज़ बाद में आई है, वो मैंने यहाँ से पहले रिव्यू दिया था, बेशक मेरे व्यूज़ कम हैं लेकिन ये मत देखो पहले मेरे व्यूज़ ज़्यादा होते हैं बाद में अचानक मेरे व्यूज़ कम हो जाते हैं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं सच के सिवा कुछ नहीं कह रही, पहले मैं अपना अप्लाई करती हूँ, लोगों को बताती हूँ, उसके बाद उस चीज़ का बाज़ार में मैं ब्रांड देख कर आती हूँ, और ये ब्रांड में फ़र्क होता है तकरीबन 4 या 5 महीने का, उससे पहले वो ब्रांड होता ही नहीं है वहाँ पर। मैं किसी पर वो नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम लोगों को बाय मैं बिल्कुल फेथफुल होके बता रही हूँ यार, मेरी बात को समझो और अपने लिए इसमें से जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो निकाल लो, कि धोखा इस तरह से भी दिया जा सकता है लोगों को, ठीक है। मैं बता रही हूँ ये एक अच्छा पैलेट है, अगर एक ही पैलेट की आप ख़रीद लेंगी तो आपका पूरा मेकअप हो जाएगा, ठीक है। मैंने वो भी पैलेट क्लियर किया जो सिल्क एंड स्लीक था, ये भी पैलेट क्लियर किया। तो उम्मीद करती हूँ ये तमाम शेड आपको पसंद आ रहे होंगे, अच्छे लगते जा रहे होंगे, ये देखें, ठीक है, तमाम शेड बताए मैंने आपको इसके, जैस्मीन के, और ये बातें ये नुक्ते बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे आपको। ये मैट शेड है इसके, ठीक है, ये भी एक अच्छी है किट है, विंटेज आई क्वीन शेड पैलेट की जो मेरे उस पर डली हुई है, वो भी बहुत अच्छी किट है। कोई एक किट लेना चाहते हैं तो सिल्क एंड स्लीक को बाय कर लें, तमाम मेकअप कर देगी,
मखमली आई शेडो पैलेट भी दिखा चुकी हूँ, उसकी भी बहुत जल्दी एक और वीडियो आने वाली है, देख लीजिएगा, तफसील उसकी भी है, वो भी बहुत अच्छा पैलेट है। एक ले ले तमाम मेकअप हो जाएगा। हमारे पास ये मैट शेड्स पड़े हुए होते हैं, मखमली आई शेडो पैलेट खरीद लें, काम बन जाएगा। ये भी बहुत अच्छी है, ले मखमली आई शेडो पैलेट भी काम कर देगा, बहुत अच्छा कर देगा। ठीक है, मैं अपने दोस्तों को बिल्कुल सही मशवरा देती हूँ, ठीक है, यहाँ से जो मशवरा जाएगा फेथफुल जाएगा, क्योंकि ये चैनल अपने पैसों से ख़रीद के लाता है, किसी के पैसों पे नहीं है, कोई प्यार नहीं है इसको, फिर भी ये प्यार से आपको रिव्यू दे रहा है, तो इस प्यार को पसंद कीजिए, अदाब अर्ज है। तो अब चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, लौटूंगी एक अच्छी वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ, अपने तजर्बे के साथ, अपनी तजर्बे की बुनियाद पे, आपको हक और सच्चाई की बुनियाद पे बताती जाऊंगी क्या चीज़ बेहतर है क्या चीज़ नहीं। मैं वो नहीं हूँ जो ये शेड नंबर गिनाऊँ और बताऊँ और आप जाके ख़रीद लो, मैं आप पे जोर लगाऊँ, नहीं, आप नहीं ख़रीदो, आप उसका हक और बातिन तलाश करो फिर जाके ख़रीदना, क्योंकि पैसे आपके अपने जायज़ कमाई से आपके घर के किसी भी बंदे ने कमाए हुए हो सकते हैं, क्या वो आपका बाप हो सकता है, हाँ वो आपका भाई हो सकता है, हाँ वो आप किसी की बेटी हो सकती हो, हाँ वो आपका हस्बैंड हो सकता है, पैसे सबके जायज़ होते हैं, या आपने कमाए हो सकते हैं, आप भी जॉब कर सकती हुई होती हो, आपके पैसे हराम के नहीं है जो अंधाधुन आप किसी के कहने पर आके फेंक दें। अच्छी डिवाइस है, अच्छी किट है, ख़रीद सकते हो, काम आएगी। मखमली पैलेट और अच्छा है, सिल्क एंड सिलिक पैलेट सबसे अच्छा है, ठीक है, मखमली पैलेट मेरी जान है, मुझे बहुत पसंद आया, उसका रिव्यू भी दे दूँगी, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से दूँगी। उम्मीद करती हूँ फेक का और ओरिजिनल का आज पार्ट क्लियर हुआ, अपने दिए हुए मशवरों का भी आज पार्ट क्लियर हुआ, कुछ सबक सीखेंगे और कुछ ऐसे सबक हो तो मेरे साथ भी शेयर करें प्लीज़, मेरी आगाही में भी इजाफा करें कि इस तरह भी हो जाता है, अगर कुछ एक्सपीरियंस आपके पास हो तो प्लीज़ मुझे दीजिए वो एक्सपीरियंस, मैं तलबगार हूँ उन एक्सपीरियंस की, मैं कदर करूँगी उन एक्सपीरियंस का जो आपकी ज़िंदगी में बीता, आपके ऊपर हुआ, मुझे बताइए, मैं सुनूँगी, ठीक है, तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, पसंद आएगा और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, आपके लाइक बहुत हिम्मत दे जाते हैं मुझे, मुझे सिर्फ आपके लाइक्स की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है आपके, आपका प्यार लेने आई हूँ, सिर्फ आपके लाइक्स के लिए आई हूँ कि आप मुझे कितना लाइक देते हैं, ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, मैं आपके लिए मेहनत सिर्फ इसलिए करती हूँ कि आप मुझे प्यार देते हैं, ठीक है, बाकी इज्जत देने का काम अल्लाह का होता है, वतु इज्जो मंतशा वतु जिल्लो मंतशा, वरना अल्लाह ये आयत ना बनाता, ठीक है, ना बताता, अल्लाह ने ये आयत बता के साबित कर दिया, इज्जत और जिल्लत मेरे हाथ में, प्यार देना बंदों के हाथ में, क्योंकि रसूल ने कहा कि अगर एक मखलूक एक इंसान के मुंह पे तुम खुशी ले आओगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद व सलाम हो आपकी ज़ात पर, अल्लाहुम्मा सल्ल, ठीक है, दुरूद शरीफ मैंने पूरा पढ़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक एक इंसान के चेहरे पर तबस्सुम लाना, खुशी लाना, पूरी खल्क के कुदरत, खल्क के कायनात के चेहरे पर खुशी लाने के मुतरादिफ है, तो अगर किसी एक बंदे को भी अच्छा लगा हो, खुशी महसूस हुई हो, तो लाइक ज़रूर देकर जाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे अल्लाह से बस इसका अजर चाहिए, इज्जत अल्लाह देगा, प्यार तुम लोग देना, क्योंकि रसूल ने कहा है बंदा बंदे को प्यार दे, अल्लाह का काम है इज्जत देना, इज्जत नहीं मांग रही मैं, अल्लाह से इज्जत मांग रही हूँ, तुम लोगों से प्यार मांग रही हूँ, और मैं तुम लोगों को प्यार दे रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ तुम लोग भी मुझे प्यार दे रहे हो और ज़्यादातर ही दे रहे हो, ये मैं अपने बलबूते पर नहीं बोल रही, अपने आए हुए कमेंट्स के बलबूते पर बोल रही हूँ इतना, ठीक है, जो प्यार मुझे नसीब हुआ है अल्लाह का शुक्र है, वह तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।